हर आर्टिस्ट की लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है जहां वो पैसा, नाम, व्यूज ये नहीं कमाना चाहता, जहां वो रिस्पेक्ट कमाना चाहता है। हम सब भी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ चीजें ऐसी करते हैं जहां हमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा रहता, लेकिन हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो चीजें करते हैं। बधानिया सॉन्ग भी कुछ इसी तरह है, जो कि राहुल वैद्य और दिशा परमार की लव स्टोरी को दिखाता है। ये सॉन्ग क्वांटिटी पे फोकस ना करके क्वालिटी पे फोकस करता है, इसीलिए जब तुम ये गाना सुनोगे तो तुमको लगेगा कि इसमें लिरिक्स बहुत कम है। गाना जो है वो एक शादी वाले सीन पे बेस्ड है, और मुझे लगता है कि लॉकडाउन वाली शादी, क्योंकि इसमें लोग बहुत कम है। धानिया ओरिजिनल में एक पंजाबी फोक सॉन्ग है और ये गाना उसका एक अलग मॉडर्न वाला वर्जन है। मैं जानता हूँ तुम में से मैक्सिमम लोगों को ये गाना समझ ही नहीं आया होगा, क्योंकि इसके लिरिक्स जो है वो थोड़े से टफ है। हिंदी लिरिक्स भी है, लेकिन पंजाबी वाले जो लिरिक्स है उसका ही मेन इंपॉर्टेंस है इस गाने में। गाने में राहुल और दिशा दोनों ही साथ में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और मुझे और लोगों को ऐसा लग रहा है यार कि इन्होंने अपनी मेन शादी की पहले प्रैक्टिस वाली शादी कर ली है। गाना एक लड़की के मन के भाव को बताता है कि जब उसकी शादी होने जा रही रहती है तो कैसे उसका जो खुद का घर होता है वो पराया हो जाता है, उसके खुद के घर वाले पराया हो जाते हैं, एक नई जगह जाती है। थोड़ा सा गाना ना यार बहुत इमोशनल टच है गाने में। एक पिता के लिए बेटी को शादी करके भेजना कितना इमोशनल होता है इस गाने में वो भी दिखाया गया है। गाना ज़्यादा प्ले करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो यार कॉपीराइट आ जाता है और एक बार में ही, लेकिन फिर भी मैं तुमको गाने के साथ लेकर चलूंगा। लिरिक्स ऐसे शुरू होते हैं कि बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में, जिसका मतलब है कि लड़की अपने पिता से कह रही है, जो घर रहता है पुराना उस घर में उसने पूरी ज़िंदगी बिता दी, सारे मौसम से मतलब है कि पूरी लाइफ वहीं पे बिता दी, और अब फाइनली अब वो अपने हस्बैंड के घर जा रही है। और तूने विदाइयाँ कैसे लिखी मर जानियाँ, कैसे बताएं और रब्बा सही नहीं हो जानियाँ, मतलब यही है कि शादी होकर लड़की की विदाई हो जाती है, जो रसम बनाई गई है। तुम सब लोगों को इस डाउट होगा कि मधानिया का मीनिंग क्या है। मधानिया इस वर्ड का एग्जैक्ट मतलब देखोगे ना तो इसका मतलब ऐसा है कि पहले के टाइम में ना दही या लस्सी बनाने के लिए एक चीज़ आती थी, मैं फोटो लगाऊंगा देखना, उसको बोलते हैं मधानी। तो मधानिया वर्ड जो लिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ आगे की जो लाइन है उसके साथ राइम करने के लिए लिया गया है। ओ बारी बरसी खटड़ गया सी खटके ले आंदा महल, ओ पंगड़ा ता सजदा जदो नचे जैस्मीन नाल चहल, ओ पंगड़ा ता सजदा जदो नचे जैस्मीन नाल चहल। तो लड़की अपने पिता से कहती है मधानिया हायो मेरे बाबूला, तेरिया मीठिया यादा मेरे पीछे पीछे औणिया, मतलब के अपने पिता से कह रही है कि आपकी जो यादें हैं वो मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ आएंगी। हायो मेरे बाबूला मेरिया हुण गुड्डियां कोल तेरे रह जानिया, मतलब लड़कियां जो बचपन में अपने गुड्डे वगैरह से खेलती है ना, जो सॉफ्ट टॉय टेडी बेयर होते हैं, उनके बारे में कह रही है कि मेरे जो वो गुड्डे जो सॉफ्ट टॉयज है वो आपके पास रह जाएंगे और मैं यहां से चले जाऊंगी। गाने में जो इन्होंने कॉस्ट्यूम वगैरह पहनी है यार वो तो बहुत ही सुंदर लग रही है, मतलब वो तो दिख ही रहा है कि एक रॉयल परिवार का जो लुक है वो दिया गया है, तक कि सारे रिश्तेदार भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। विदाई वाला सीन एक शादी का सबसे ज्यादा इमोशनल सीन होता है, और तुम में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि भाई विदाई हो रही है लेकिन कोई रो ही नहीं रहा है। अबे अमीरों की शादी है, यहाँ पे ऐसा ही होता है समझे, अमीरों की शादी दिखाई गई है, ऐसा फूट फूट के नहीं रोया जाता है। हमेशा की तरह हमारे राहुल जो वो जेंटलमैन बनते हुए पहले दरवाजा खोला उन्होंने दिशा के लिए, फिर वो अंदर बैठी, उसके बाद वो बैठे, अगेन वही जेंटलमैन वाली चीज चल रही है। यहाँ पे वो उतर रही है तो हाथ पकड़ के उनको उतारा जा रहा है, मतलब ये सब छोटी मोटी चीजें एक इंसान में, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां बहुत ज्यादा नोटिस करती है। तुम लोग कमेंट करके बताओ, मेरा तो ज्यादा तजुर्बा नहीं है। राहुल का जो इसमें लुक लग रहा है, मतलब जो ऐसे अभी ये एंट्री हुई तो बहुत ही सुंदर, और मतलब दूल्हा तो यार वो दुल्हन से ज्यादा प्यारा तो दूल्हा लग जा रहा है, लेकिन नहीं, दोनों अपने आप में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देख के अच्छा लगता है कि रियल लाइफ में भी ये कपल है और थोड़े टाइम में इनकी शादी भी होने वाली है। राहुल पे पहली बार ऐसे कोई वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी राहुल पे वीडियो बनाने जाता हूँ ना मैं वो वीडियो बना ही नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों। अभी मुझे एक बिग बॉस वाली वीडियो बनानी है, वो बन के रखी हुई है लेकिन यार वो अपलोड ही नहीं हो पा रही है मुझसे, क्योंकि जब मैं उसको अपलोड करने जाता हूँ तो बीच में कोई और चीज़ आ जाती है और फिर मुझे वो चीज़ बनानी पड़ती, क्योंकि यार म्यूजिक वीडियोस जो है उसकी मैं रिएक्शन वीडियो जितना जल्दी बना के डालूंगा उससे व्यूज़ में बहुत फर्क पड़ता है। और मधानिया की वीडियो जो है मैं तुरंत उस टाइम नहीं बना पाया, क्योंकि यार एट दैट टाइम आई वॉज नॉट वेल। इसी वजह से तुम लोग लाइक कॉमेंट शेयर दबा के करना इस वीडियो में, ताकि यार ये वीडियो राहुल फैंस तक भी पहुँच जाए। आगे के लिरिक्स कुछ ऐसे हैं, हाथ मेरा थामा तूने तेरी मेहरबानियाँ, मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियां। शादी कर ली उन दोनों ने तो हाथ थाम लिया होता है उसका मतलब वो, और अब क्योंकि शादी करके वो उनकी वाइफ हो गई है तो जो उनकी सारी परेशानी है वो अब राहुल की भी परेशानी हो गई है। देन अगेन मधानिया हाईवे मेरे डाडिया रब्बा, और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि राहुल एक नॉन पंजाबी बंदा है और उसने जो पंजाबी वर्ड्स का प्रोनंसिएशन, क्योंकि पंजाबी वर्ड जो ना जैसे तुम बोलोगे मधानिया और एक पंजाबी बंदा बोलेगा तो उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है, बहुत लाइट लेकिन वो पता चलता है, लेकिन राहुल ने यहाँ पे वो पता नहीं चलने दिया। पानी दी गल, पानी दी गल,
तो यही फर्क आ जाता है प्रोनंसिएशन में। और राहुल ने यहाँ पे बहुत ही बखूबी निभाया है पंजाबी वर्ड्स को। इस गाने से मेरी फेवरेट लाइन ये है, बहुत ही डीप लाइन है। मधानिया हाईवे मेरे डाडे रब्बा किना जमिया किना ने ले जानिया। जो एक लड़की होती है, बेटी होती है, बहन होती है, उसको कौन पैदा करता है, कौन पालता पोसता बड़ा करता है और एट दी एंड शादी करके उसको कोई और ले जाता है। तो इस रस्म के बारे में एक अपना एक खुशी वाला दुख जताते हुए बंदा कह रहा है कि मधानिया हाईवे मेरे डाडिया रब्बा किना जमिया किनाने ले जानिया। और इस लाइन से तो यार हर एक हिंदुस्तानी रिलेट कर सकता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हमारी जो प्रथा है, फिर वो चाहे कोई बाप हो, बेटा हो, भाई हो, कोई भी हो यार, हम सब इससे रिलेट कर सकते हैं। कितना मुश्किल होता है अपना खुद का घर छोड़ के किसी और के घर जाना, मतलब अपना ही घर होता है वो भी, लेकिन फिर भी, और पीछे सारे लोग छूट जाते हैं। आगे गाने में थोड़ी सी खट्टी मीठी नोक झोंक जैसी दिखाई गई है। सब साथ में बैठे हैं, ब्रेकफास्ट चल रहा है, उसमें मैं राहुल जो दिशा को बुलाते हैं बाहर इशारा करके, फिर वो बाहर जाते हैं और मतलब बहुत ही प्यारा सा और एक स्मूथ एंड दिया है इस वीडियो को। फिर ऑब्वियसली बाहर जब इन दोनों रहते हैं थोड़ा रोमांस वगैरह चल रहा रहता है तो फैमिली वाले आ जाते हैं और फिर यहाँ पे शर्माना देखो। लड़की से ज्यादा तो लड़का शर्मा रहा है। ओवरऑल गाना जो है वो बहुत ही प्यारा गाना है। मुझे पता है कि कई लोगों को ये गाना उतना पसंद नहीं आया, क्यों नहीं आया मैं वो भी बताऊंगा तुमको अभी। गाने का जो कमेंट सेक्शन है यार, वही राहुल और दिशा साथ में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आशीष कौर की आवाज की तारीफ है, आरकेवी चल रहा है हर जगह, लोग कह रहे हैं कि स्ट्रीम करो, व्यूज इतने कम क्यों है। तो एट प्रेजेंट इस गाने के 13 मिलियन व्यूज है और 13 मिलियन व्यूज कोई कम नहीं है, बिल्कुल छोटा नंबर नहीं होता है, और स्पेशली एक पंजाबी फोक सॉन्ग के लिए। मैं समझता हूँ कि राहुल जो है वो बिग बॉस से निकल के आए हैं और तुम सबकी एक्सपेक्टेशन होगी कि जैस्मिन अली और रूबीना उनके गाने जितने हिट गए हैं राहुल का उतना हिट जाए। तुम उससे कंपैरिजन करके इस गाने को बोल रहे हो कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये कोई पैरामीटर नहीं होता है किसी गाने की सक्सेस को नापने का। कभी भी किसी भी गाने की सक्सेस उसके व्यूज से मेजर नहीं करी जाती। हाँ, व्यूज से फर्क पड़ता है काफी हद तक, लेकिन कोई गाना कितना सक्सेसफुल है ये उसका कितना इम्पैक्ट ऑडियंस पे पड़ रहा है उससे मेजर किया जाता है। तो अगर व्यूज से देखोगे तो यार ढिंचक पूजा के गाने ना कितने बड़े बड़े हिट गानों से ज्यादा व्यूज है ढिंचक पूजा के गानों में, तो क्या मतलब ढिंचक का गाना ज्यादा अच्छा हो गया। नॉन पंजाबीज को तो मेरे ख्याल से उतना समझ ही नहीं आया होगा कि गाने में चल क्या रहा है। लेकिन रूबीना जैस्मिन ये लोग जो है, इनके पास म्यूजिक वीडियोस करने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होंगे इन फ्यूचर, ये लोग म्यूजिक वीडियोस में नहीं आते रहेंगे। लेकिन राहुल का मेन प्रोफेशन ही सिंगिंग का है, तो वो उस चीज को होल्ड में रख सकते हैं कि मैं आगे और कमर्शियल सॉन्ग्स करूंगा, क्योंकि वो तो इस वाली फील्ड में लंबे रेस के घोड़े हैं। आई नो इस गाने के रिएक्शन पे मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ, लेकिन यार मैं हमेशा से चाहता था कि मैं राहुल पे कोई एक वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच, पिछली वाली वीडियो में तुम लोगों ने मुझे समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम बाद ऐसे पॉजिटिव चीजें देखने मिली थी मुझे। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर देना लोगों से, इंस्टाग्राम में शेयर करो और मुझे टैग करो ताकि मैं ऐड टू स्टोरी कर सकूं उसको। बाकी अपन मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, इट्स ऑल।